मैं जानता हूं कि आप बहुत परेशान हैं। रियल एस्टेट की प्राइसेस नीचे से नीचे जा रही हैं और दिन ब दिन आप इस टेंशन में मुब्तला हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई और आपका बहुत नुकसान हो गया। आपको पैसों की जरूरत है लेकिन चीज नहीं बिक रही। अब क्या करना चाहिए, इस वीडियो को देखें, सब समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो डीएचए क्वेटा के बारे में है, जिसके बारे में आप बहुत परेशान हैं। चाहे आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, सर्विस बेनिफिट प्लॉट है, 5 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है, जो भी है, आप बहुत परेशान हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूबती जा रही है। तो आज मैं इस बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं और कैसे परेशान होने की जरूरत नहीं, डीएचए क्वेटा ने अभी तक क्या क्या किया है और फ्यूचर में क्या करने जा रहा है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। 19 तारीख को डीएचए क्वेटा ने लाहौर में रियल एस्टेट डीलर्स जो हैं उनके साथ एक कन्वेंशन किया और कराची में कन्वेंशन किया और उससे पहले क्वेटा में भी रियल एस्टेट डीलर्स जो हैं उनके साथ एक मीटिंग की, कन्वेंशन किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रोग्रेस, अपनी अचीवमेंट्स, वो सारी चीजें बताई और उसके बाद जो जो क्यूरीज और जो जो पॉइंट्स डीलर्स के थे वो उन्होंने सुने और उनको एड्रेस करने की कोशिश की। जो A6 के डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में थे, फीचर चार्जेस के बारे में थे, वो सारी चीजें डिस्कस की हैं और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आपको विद इन वीक्स आनी शुरू हो जाएंगी। इनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो अभी मैं आपको बताता हूं। इन सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि डीएचए क्वेटा को ब्लेम मत करें, डीएचए क्वेटा की अथॉरिटीज को ब्लेम मत करें। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन पूरे कंट्री की थोड़ी सी डाउन है, काफी डाउन है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बाइंग बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। सेलर जो हैं वो तो अपनी चीज बेचना चाह रहे हैं लेकिन वो उस रेट पे बेचना चाह रहे हैं जहां पे उनको नुकसान ना हो। वेयर एज बायर जो है वो अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि अनसर्टेनिटी है। तो इस वजह से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप डीएचए क्वेटा को ब्लेम मत करें। अब दूसरे जो डीएचएस हैं और दूसरी जो सोसाइटीज हैं उसके साथ कंपैरिजन करें तो डीएचए क्वेटा इज नॉट द ओनली वन जहां पे प्राइसेस डाउन हुई है। गुजरावाला, मुल्तान, लाहौर, उसके अलावा कराची, डीसीके, पिशावर, बहावलपुर, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को अगर आप देख लें तो वहां पर भी प्राइसेस डाउन से डाउन है। डीएचए लाहौर में जो एक फाइल 75 लाख की थी अभी वो 32 लाख की है। इसी तरह डीएचए लाहौर फेज 10 की जो फाइलें थी वो भी डिक्लाइन पे हैं, प्लॉट्स भी डिक्लाइन पे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि डीएचए क्वेटा जो है उसी में नुकसान हुआ है। हर बंदा जहां पर जिसने जो चीज खरीदी हुई थी वो अभी डिक्लाइन पर है, चाहे वो प्लॉट है चाहे वो फाइल है। तो इसमें आपको डीएचए क्वेटा को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। डीएचए क्वेटा इसमें मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि अर्ली बर्ड वाले जो हैं वो बहुत शोर मचा रहे हैं कि जी हमने 2019 में 2020 में पैसे दिए थे और आपने हमसे वादा किया था। उनसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब आपने 60-70 लाख रुपए में एक फुल पेड फाइल एक्वायर कर ली, सिक्योर कर ली अर्ली बर्ड के लिए और उसमें आपका प्लॉट नंबर लगा तो उसकी कीमत 3 करोड़ और 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 5 लाख को भी टच की, आपने उस टाइम पे क्यों नहीं बेचा? अगर आप उस टाइम पे बेच देते तो आज आप किसी को कर्ज ना कर रहे होते। आपने 20 लाख 30 लाख 50 लाख की फाइल खरीदी और आपने जब वो 1 करोड़ उसने क्रॉस किया आपने क्यों नहीं बेचा? आपको किसी ने रोका तो नहीं था उससे बेचने के लिए? और अगर आप ये कहते हैं कि डीएचए क्वेटा में प्राइसेस जो हैं वो अनरीजनेबली ऊपर गई और उस वक्त हम बेच देते तो हम फायदा में रहते, तो आपका कसूर है।
सिर्फ डीएचए कोयटा में नहीं, हर जगह पर प्राइसेस बहुत वायलेंटली और एग्रेसिवली ऊपर गए। तो इसलिए डीएचए कोयटा को ब्लेम मत करें। और इसमें एक और चीज ये है कि जब एक चीज की प्राइस एक स्पेसिफिक जेन्युइन थ्रेशोल्ड से ऊपर चली गई, तो आपको किसने कहा कि आप फाइल 1 करोड़ रुपए की खरीदें, इवन 90 लाख रुपए की एलोकेशन फाइल खरीदें, 1 करोड़ 10 की, 15 की, 20 की खरीदे, आपके दिल में, आपके दिमाग में ज्यादा पैसे गेन करने का लालच था तो आप उसमें दाखिल हुए। अब आप डीएचए कोयटा को ब्लेम मत करें। डीएचए कोयटा अपनी तरफ से तमाम वो चीजें कर रहा है जो पॉजिटिव हैं और जिससे डीएचए कोयटा की क्रेडिबिलिटी और डीएचए कोयटा की ऑथेंटिसिटी जो है वो एस्टेब्लिश होती है। अब डीएचए कोयटा ने पिछले 1.5 से 1.5 साल में क्या क्या किया है और क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, अगर वो आप सुने तो इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी स्पीड, उनकी डेडिकेशन वो बेमिसाल है। आप उस वीडियो को देखें तो आपको अंदाजा हो कि डीएचए कोयटा कितनी स्पीड से और कितनी मेहनत से काम कर रहा है। वहां पे वैसे भी डेवलपमेंट का टाइम फ्रेम जो है पूरे साल में, वो वेदर एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके दौरान वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि डीएचए कोयटा ने अभी तक क्या क्या किया है। सबसे पहले अर्ली बर्ड की बात करेंगे। 2 महीने पहले उन्होंने, तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले उन्होंने रोडों की ब्लैक टॉपिंग स्टार्ट की थी। और ब्लैक टॉप करना रोडों का उस वक्त स्टार्ट होता है जब वहां पर सेवेज डल चुका होता है, वाटर सप्लाई डल चुकी होती है और तमाम वो अमेनिटीज जो वहां पर घर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है वो जब कंप्लीट कर ली जाती है उसके बाद रोडों को ब्लैक टॉप किया जाता है। तो अभी तक 1.5 से 2 महीने में उन्होंने 12 किलोमीटर लेंथ अर्ली बर्ड में रेजिडेंशियल में रोड्स कंप्लीट कर रही हैं। ये अदर देन मेन एक्सप्रेसवे है और इंशाल्लाह नवंबर मैक्सिमम दिसंबर तक 42 किलोमीटर ऑफ रोड्स जो हैं वो अर्ली बर्ड सेक्टर A1, A2, A3 में कंप्लीट हो जाएंगे और नवंबर के मिड या एंड में मैक्सिमम पोजीशन आ जाएगा। तो इससे ज्यादा स्पीड से और क्या काम किया जाए। उसके बाद डीएचए कोयटा ने वहां पर साइन पोस्टिंग कर दी है, जैसे कि आप किसी भी डीएचए में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कहां पर है, और स्ट्रीट्स के साइन पोस्टिंग, प्लॉट्स के साइन पोस्टिंग, वो सब कुछ कर दिया। मेन डीएचए का जो हेड ऑफिस है वो साइट पे बिटवीन Hanna Mall 1 and Hanna Mall 2 जो ग्रैंड एंट्रेंस है उसकी इनॉग्रेशन कर दी है। उसके बिल्कुल साथ उनका मेन हेड ऑफिस ऑन द साइट शिफ्ट हो चुका है। Hanna Mall 1 में बेस्ट वेस्टर्न होटल फंक्शनल हो गया है। वहां पे सोहो रेस्टोरेंट जो पैन एशियन कुजीन का रेस्टोरेंट है वो एक्टिवेट हो गया है और आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि वहां पे कितने लोग जाकर रात को डिनर कर रहे हैं। उसके साथ साथ शगफ एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो कैफे वहां पे एक्टिवेट हो चुका है। Hanna Mall 2 में इनोविस्टा कोवर्किंग स्पेसेस एक्टिवेटेड है, फंक्शनल है, लोग वहां पर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर अल्फला बैंक ने जमीन ले ली है और अपने बैंक की कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। और जो चीजें हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वहां पर मस्जिद की कंस्ट्रक्शन जारी है, शाहिद खान अफरीदी जो क्रिकेट एकेडमी है उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है, मिटास जिसके साथ, जो कतरी कंपनी थी जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसमें 500 विलाज भी, लग्जरी विलाज बनने थे, जुलाई के एंड या अगस्त के स्टार्ट में उनका वहां से डायरेक्टर आ रहा है। 40 घर बनने हैं फेज 1 में, जिनमें से 6 घर जो हैं वो पायलट प्रोजेक्ट हैं, उनकी अर्थ ब्रेकिंग जुलाई के एंड या अगस्त के स्टार्ट में हो जानी है। 16 ट्यूबवेल्स एक्टिवेट हो गए हैं पानी का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए कि वहां पे कोई पानी की शॉर्टेज ना हो। 8 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। ओवरहेड वाटर टैंक्स फॉर सेक्टर A1, A2 एंड A3
उनमें से एक ओवरहेड वाटर टैंक उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है और दो ओवरहेड वाटर टैंक्स जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम पे कोयटा के डीएचए में 210 मशीनरीज काम कर रही हैं, सुबह शाम काम कर रही हैं, ताकि डेवलपमेंट का काम जो है उसको तेजी से जारी रखा जाए और इससे पहले के एक्सट्रीम विंटर स्टार्ट हो मैक्सिमम डेवलपमेंट अचीव कर ली जाए। A6 की डेवलपमेंट अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी, ये जुलाई का महीना है, अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। एक्सप्रेसवे 5 और एक्सप्रेसवे 6 जो एक लूप है और वो जो रिंग रोड टाइप बननी है उस पे काम अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा। नादरा ने डीएचए कोयटा के अंदर जगह एक्वायर कर ली है और वहां पर एक ऑफिस उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है, लेकिन अपना बलूचिस्तान का हेड ऑफिस वहां पर बनाने के लिए उन्होंने जगह एक्वायर कर ली है। ग्रैंड एंट्रेंस जिना एक्सप्रेस वे पे एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे मिन्हास एसोसिएट्स जो एक कमर्शियल प्लाजा बना रहे हैं एक कनाल के ऊपर, बहुत जल्द उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जितने भी वहां पर वाटर चैनल्स थे जो बारिश और फ्लड की वजह से उन्होंने बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट की थी, उनको डीएचए कोयटा ने प्रॉपर स्टडीज के बाद रीअलाइन कर दिया है। उनकी जो है वो अलाइनमेंट को ऐसे करके रीप्लान कर लिया है कि दोबारा हैवी रेनफॉल जब हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। उनकी लाइनिंग गैबियंस के साथ, उनकी साइड्स, उनके रोड के नीचे से जो पाइप कलवर्ट है वो तमाम चीजें कुछ कंप्लीट हो गई हैं और कुछ कंप्लीट होने वाली हैं। प्लांटेशन हैवी किस्म की एक्सटेंसिव प्लांटेशन डीएचए कोयटा कर रहा है उस पूरे एरिया को ग्रीन करने के लिए। उसमें उन्होंने अपनी नर्सरी एस्टेब्लिश की है जो वहां पर प्लांटेशन जारी है और बहुत सारे नेचुरल ऐसे डैम्स जहां पर बारिश का पानी आकर ऑटोमेटिकली स्टोर होता है वो डीएचए कोयटा की बाउंड्री के अंदर आ चुके हैं और डीएचए कोयटा उस पानी को यूज कर रहा है प्लांटेशन के लिए। बाउंड्री वॉल, प्रीफैब बाउंड्री वॉल डीएचए कोयटा ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों की बहुत रिजर्वेशन थी, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। सिग्नेचर हाउसेस जो 5 बन रहे थे A3 में बन रहे हैं वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वो सेल के लिए मार्केट में आएंगे। इसके अलावा जो मिटास कंपनी का तो मैं आपको बता चुका हूं, जब यहां पर लोग आएंगे 2 वहां पर सोलर एनर्जी के पार्क्स, सोलर इलेक्ट्रिसिटी के पार्क्स बनाए जा रहे हैं और जो भी लोग यहां पर आकर रहना शुरू करेंगे उनको 43% चीपर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जहां तक गैस का ताल्लुक है, SNG प्लांट का एग्रीमेंट साइन हुआ, वो वहां पर कंस्ट्रक्शन और उसकी एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि डीएचए कोयटा और क्या करे? अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसे कमेंट्स हैं, कोई ऐसी सजेशंस हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और पहले भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि थोड़ा सा सब्र कर ले, ये प्राइसेस इंशाल्लाह ताला 2-4 महीने में बहुत ऊपर जाएंगी और आपको नॉट ओनली अपना लॉस रिकवर होगा, आपको इसमें प्रॉफिट भी होगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डीएचए कोयटा ने सीपैक का जो रूट है उसको गवर्नमेंट के लेवल पर जाकर रीअलाइन करवाया है कुछ इस तरह से कि अब वो डीएचए कोयटा की बाउंड्री के बीच में से गुजरेगा, ठीक है, और वहां पर जो भी वेयर हाउसेस, गोडाउन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्लान किया गया है डीएचए कोयटा की बाउंड्री के अंदर। तो आप अगर ये समझते हैं कि डीएचए कोयटा में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपको लॉस होगा या हो रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। मेरी आपको सजेशन ये है कि थोड़ा सा दिल को थाम कर बैठें, हौसला रखें, आपको बहुत 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 अच्छा रिटर्न मिलेगा और जो एंड यूजर्स हैं
जो कोयटा के रिहायशी हैं अब उनको थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई है। जब वो डीएचए कोयटा में जाते हैं तो उनको समझ आनी शुरू हो गई है कि ये एक रियलिटी बन चुका है, न्यू कोयटा सिटी डीएचए कोयटा ही होगा। अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहां पर अपने प्लॉट्स लेने शुरू कर दिए। जो अर्ली बर्ड के प्लॉट होल्डर्स हैं उनको मैं बता चुका हूं कि अर्ली बर्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है, कितनी रोडें बन रही हैं और पोजेशन उसका कब आएगा। तो थोड़ा सा आप हौसला रखें, इंशाल्लाह ताला आपको आपके प्लॉट की कीमत अच्छी मिलेगी। जिनके प्लॉट्स A6 में आए हैं वो ये परेशान है कि हम डेवलपमेंट चार्जेस भी दे रहे हैं, हमें कैटेगरी चार्जेस भी लग गए हैं। लेट से आपका प्लॉट जो है वो उसका कोई फीचर है कि इट इज फेसिंग पार्क या वो कॉर्नर है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पड़ गए। उसके बारे में एक चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो फीचर चार्जेस होंगे वो भी इंस्टॉलमेंट्स में आपसे लिए जाएंगे और इसके बारे में डिसीजन अभी होने वाला है और उम्मीद है कि इसके बारे में भी अनाउंसमेंट डीएचए कोयटा बहुत जल्दी कर देगा। तो ये तमाम चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। जिनके पास फाइल्स हैं वो थोड़ा सा हौसला करें, इंशाल्लाह ताला उनका भी बैलेट बहुत जल्दी होगा। और जो छोटे प्लॉट्स वाले हैं 5 मरला 8 मरला 10 मरला वाले, उनके लिए एक ये खुशखबरी है कि बहुत जल्द एक सब सेक्टर वेरी क्लोज टू A6 and A2, आप अगर नक्शे को देखें तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि जब सेंट्रल पार्क आता है उससे राइट साइड पे जब आप जाते हैं तो उस रोड की नीचे वाली साइड पे नक्शे पे अगर आप देखें तो A2 है, उसको एक्सप्रेस वे 5 कहा जाता है, और उसके ऊपर वाली साइड पे A6 है और वहां पर ही A5 होगा, A4 भी उस एरिया में होगा। तो वो जो सेक्टर A2 और A5 के दरमियान जो जगह बनती है वो डीएचए कोयटा ने ईयर मार्क कर ली है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वहां पर सेक्टर बनाया जाएगा जिसमें 10 मरला प्लॉट्स, हो सकता है 8 मरला और 5 मरला को भी वहां पर अकोमोडेट किया जाए, लेकिन 10 मरला प्लॉट्स वहां पर आएंगे जो पब्लिक बैलेट के लिए भी लॉन्च किए जा सकते हैं। जो मार्केटिंग फाइल होल्डर्स हैं, जो 10 मरला फाइल होल्डर्स हैं उनको भी वहां पर प्लॉट मिल सकता है। तो आप परेशान ना हो, डीएचए कोयटा बहुत बहुत जबरदस्त काम कर रहा है और इंशाल्लाह ताला कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत जल्दी इसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं और आप इसको जरूर इसमें आपको फायदा होगा। आप इसको होल्ड रखें और परेशान ना हो, जल्दी में आप इसको बेचने की कोशिश ना करें क्योंकि जिस दिन आपने बेच दिया उस दिन आपको लॉस हो जाएगा। ये सारी चीजें थी जो डीएचए कोयटा के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई भी आपकी रिकमेंडेशन सजेशंस हो मुझे कमेंट्स में बताएं। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उस पर भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी एडवाइस और फीडबैक मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।